हेलो एवरीवन, जैसे अभी वीडियो में बोला था कि आज शाम को कार ड्राइविंग पे जाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहे सीखने के लिए, मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे। एंड अभी भी मैं परफेक्ट ड्राइवर नहीं हूँ, बट स्टिल मैं सीख रहा हूँ एंड मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे मतलब सही लगे चीज़ें मैं वो सिर्फ शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगा जो तरीका मैंने अपनाया सीखने के लिए, वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं, मेरे पास जो कार है वो XUV 300 है, काफ़ी पावरफुल कार है, तो उसको सीखते हुए और ज़्यादा डर लगता था, बट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे साथ को ड्राइवर हैं देव राणा। राणा जी दिख रहे हैं आप? अभी नहीं दिखेंगे भाई, बाद में दिखेंगे। बाद में दिखेंगे, चलिए चला जाए। अभी हाथ में पड़ना पड़ेगा, लग जाएगा। चलो चलो चलो, दिस इज द बेस्ट। चलो चलो चलो, LIC पे सीखोगे ना? हैं LIC ग्राउंड पे? अरे कुछ नहीं है, तो छोटे मोटे टीडे हैं। चलो चलो, प्रकृति सीट बेल्ट बांधती मैं, तब से अब तक यहाँ इसलिए परेशान थे। इसलिए परेशान थे, कोई बात नहीं, इसका मैंने भी निकाला। चलो अब परेशान नहीं होगी, अब चल गई थी। मैं ध्यान नहीं दिया, हैंड लॉक लगा के बैठा हूँ। लेसर बताइए आपने कैसे है, जरा बताइए यहाँ बताइए। जब भी चलने से पहले ना ध्यान दे ले कि हैंड ब्रेक हट रहा है कि नहीं। बिल्कुल, तकलीफ हो रही थी ना, रिवर्स नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा, ऑल बिकॉज ऑफ हैंड ब्रेक। समझ लीजिए, सोचो पहले रुकावटों को दूर करें, अड़चनों को दूर करें। कह नहीं रहा था कुछ चल रहा है, वो साला ब्रेक कर रहा था। भैया आपकी गाड़ी अड़ रही थी, ये हमारे रास्तों को ब्लेम किया गया है अभी। इसलिए दूसरों को देश देना बंद कीजिए, ये जिंदगी का सबक है। इतनी बढ़िया चलानी सीख गया हूँ, कल कहीं बंद नहीं करी पूरे बाजार में, परसों रजबन घुमा के ला कहीं बंद नहीं हुई, यहाँ चला चार बार बंद हो गई, चल गया रहा है। यही ध्यान नहीं दिया कि सबसे पहला हमेशा ध्यान देता हूँ मैं हैंड ब्रेक का, हैंड ब्रेक नहीं हटा। यहीं पे खींचा था, मुझे लगा आई भी हैंड ब्रेक के साथ थी क्या? नहीं नहीं नहीं, खींचा था मैंने। अच्छा, वो आदत बना ली। वो भी पूरा नहीं खींचा रखा था, पूरा खींचा था, पूरी जान चलते नहीं, अगर पूरा खींचा रहा था चलने की नहीं, टायर जाम ये भी बात चलने की नहीं, पक्की बात है। कितने दम लगा लो, फौज पाल रखी है आगे पर। आज तुम्हें हम ठीक है ना, टेरर जो होता है टेरर, उससे रूबरू कराएंगे। फोन कर लो, करो जयंत के साथ जो है मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। मेरे लोकर में से अगर कुछ इधर उधर का सामान मिलो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और मेरे फोन को बिना देखे वाइप मार दिया जाए। सीधा सीधा जो है फोन को जो है अपना फॉर्मेट मार दो, देखते ही साइड वाले बटनों से हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट होना चाहिए सीधा फोन। हाँ, तो हम अभी आगे पहले तो ट्रैफिक से बाहर निकल जाए, फिर हम लाइसेंस की बात करेंगे, है ना? क्योंकि ये लोग जो है LIC पे चलाओगे दूर तक? वहां चलाऊंगा हाईवे पर। मैं फोन कर रही हूँ, मैं फोन कर रही हूँ, ये काम नहीं चलेगा। जयंत के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, ये हाईवे में ले गया है। अगर आधे घंटे में कुछ खबर ना मिले तो जाके पता कर लियो। पता कर लेना कि हाईवे पे कोई आता लड़का, टीवी वाले पलटे थे इकट्ठे। हेलो पापा जी, हाँ मैं जयंत के साथ हूँ, भाई के साथ हूँ, गाड़ी सीख रहे हैं। अच्छा हाँ जी, ठीक है, एक बार वहां तक जा रहे रोटा रोड तक, ठीक है जी, ठीक ठीक। स्कूटी देख लो, लोग है या नहीं, ऊपर ही कर रहे हैं, ऊपर ही कर लो, देख के करियो, वरना मैं आके कर दूंगा, उस पर आपके हिसाब से चढ़ाने में दिक्कत, बाइक की तरह चढ़ने की। मैं कर दूंगा आके, देख लियो, कभी चोट ना लगवा लियो। हो गया, कर दिया हत्या। जरूरी है बताना, वैसे बताना चाहिए कहाँ गए भाई अपने बच्चे। हाँ, खासकर जब मेरे साथ बैठेगा तो जरूर बताया। भाई नहीं नहीं, अपने अपने मन की बात है, तो बताया फिर भी अच्छा रहे, मतलब कि हाँ किसके सानिध्य में जा रहा है। तो जो गाड़ी चलाते वक्त सबसे पहले मैंने चीज सीखी थी वो ये सीखी थी कि एक्सेलरेटर कौन सा, ब्रेक कौन सा, क्लच कौन सा। चलो ठीक है, कि पाँव में दे रखे तीन तीन हैंडल है। बिल्कुल, अब इन तीन तीन फुट गियर पे करूँ तो करूँ क्या? बिल्कुल, है ना? तो मैंने इसको याद रखने का जो तरीका सीखा था वो था ABC। चलिए, एक्सेलरेटर, ब्रेक,
और क्लच है ना, लेफ्ट की तरफ से लेते हुए सीधे राइट की तरफ बढ़ेंगे तो पहले तो सबसे पहले एक्सेलेटर पड़ेगा राइट में होता है एक्सेलेटर हमेशा। अरे सॉरी यार, सही अरे भैया मुझे उतार दो। अरे उल्टा समझ लो, लो राइट से ले वाले मोड में उतार दो, मोड में लेके चले जाएंगे भैया घर। तो सबसे पहले एक्सेलेटर है राइट की तरफ से, फिर ब्रेक है बीच में, और फिर जो है लेफ्ट साइड में क्लच है, ठीक है, ए बी सी इसी तरीके से याद रखा था। उसके बाद गियर है, गियर के तो ऊपर नक्शा बना रहता है कि कहाँ को कैसे मोड़ना है, तो पता चल जाए गियर कैसे डलने। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है टेक ऑफ। बिल्कुल लॉन्च, लॉन्च जो होता है तो लॉन्च करते वक्त जो है गाड़ी बंद होती है हर बार। ज्यादा मुझे पता नहीं वैगनआर या मारुति का क्या हिसाब है, तो भाई बोलता है छोटा कि उनमें पावर कम होती है, तो रेस का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे डीजल और पेट्रोल में फर्क पड़ता है, अगर डीजल इंजन है तो क्लच छोड़ दो बिल्कुल सीधा चलेगा उठ के, ये भी चलेगा उठ के, तो वही तो ज्यादातर डीजल पेट्रोल है, ज्यादा जो डीजल इंजन है अगर शुरू में गाड़ी सीख रहे हो तो कभी भी मतलब अपने रेस मत देना सबसे शुरू में, अगर गाड़ी सीख रहे हो हमेशा रेस तो सीधा मारोगे सामने वाले को, चढ़ा दोगे उसके ऊपर कुछ नहीं होना है। दफा 307 लगेगी, गई जाता है हत्या। और जो है क्या कहते हैं मेन जो चीज सीखनी है ना, वो सबसे पहले फोकस रहे कि धीरे चलाना कैसे सीखना है। धीरे चलानी अगर सीख गए तो तेज वेज तो सब सीख ही जाओगे, क्योंकि गाड़ी में सबसे बात होती है कंट्रोल करना गाड़ी को, क्योंकि बड़ी चीज है मान लो किसी के ऊपर चढ़ा दी तो ये तो है नहीं मोटरसाइकिल चढ़ा दी उठाकर अलग रख दी तुमने, चढ़ा दी तो चढ़ा दी, फिर सामने वाला खत्म है। तो इसलिए गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्लच और ब्रेक का कोऑर्डिनेशन सीखो, क्योंकि जैसे गियर डाला क्लच धीरे धीरे छोड़ोगे गाड़ी आगे बढ़ेगी है, और गाड़ी आगे बढ़ रही है उसकी स्पीड जो कंट्रोल करोगे तुम ब्रेक से करोगे क्लच के टाइम पे, बाकी तो रेस से जब करोगे कंट्रोल, जब मतलब हाईवे पे हो या तेज चला रहे हो थोड़ा तो रेस से कंट्रोल हो जाएगी रेस और ब्रेक से, बट जब बिल्कुल स्लो चला रहे हो तो कंट्रोल जो होता है ना वो हमेशा आता है क्लच और ब्रेक से, यही बढ़िया सीखा था। तो जैसे हमें जो बिल्कुल ना बाइक से अपग्रेड करते कार पे, तो हमारे लिए क्या, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है 99% ऐसा ही होता है कि लोग बाइक से अपग्रेड करते हैं कार में, उनको पहले बाइक चलानी आती है फिर वो कार में अपग्रेड करते हैं, तो हमें क्या अलग है बाइक से और कार में? भाई साहब बहुत कुछ अलग है, सबसे पहले तो लाइट जला लें, दिख नहीं रहे होंगे ठीक है। तो क्या है कि अपना सिस्टम तो सेम है ऑलमोस्ट, पर सबसे बड़ी बात होती है डर, होता क्या है कि सरफेस एरिया है उसका बाइक का कम होता है। बाइक में क्या है कि अगर हम बचा रहे हैं ना आसपास से, तो ये है कि अपने आप को बचा रहे तो कंट्रोल कर लेते हैं, गाड़ी में है साला एरिया बड़ा, अब मैं इधर बैठा हूँ देव उधर बैठा, तो मुझे खुद को तो बचाना है, इसे ही बचाना, बिल्कुल बचाना है। तो ये गाड़ी को साइड से बचा के बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो अंदाजा लगाना नहीं, उसके लिए जो है सिर्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए मैंने पता क्या किया था, इसके लिए मैंने एक खुले ग्राउंड में चलाई गाड़ी पहले तो ठीक है, उसके गाड़ी मैंने अपना जो है गियर वेयर डालना और वही क्लच का कंट्रोल ब्रेक के साथ वही सीखा मैंने, धीरे धीरे चलाना खाली ग्राउंड में, बिल्कुल सड़क वड़क पे चलाने निकल जाओगे दिक्कत हो जाएगी है ना। उसके बाद वहां पे मैंने क्या करा, ईंटें लगाई अपनी थोड़ी थोड़ी दूरी पे ठीक है, और उन ईंटों के बीच से निकालना सीखा, वो भी सिर्फ क्लच और ब्रेक के बेस पे, रेस वेस का कोई झंझट नहीं रखा ठीक है, क्लच और ब्रेक कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि वही है, वही सबसे मेन रीजन पड़ता है ना कि अगर ये चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो गाड़ी बंद होती होती है। अब उसके बाद क्या है, जब ये चीज सीख ली तो फिर उसके बाद रिवर्स सीखे, रिवर्स का भी बहुत सही हिसाब है सीखना, रिवर्स को भी बिल्कुल धीरे धीरे सीखना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से सीखो गाड़ी को, कम से कम बिना, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ अगर धीरे चलाते हुए, सिर्फ धीरे चलाते हुए सीखे ना, ग्राउंड में मान लो 3 दिन लगातार प्रैक्टिस कर ली, कंट्रोल करना आ जाएगा क्लच और ब्रेक। और उसके बाद अपना फिर तो भाई जैसे जैसे मैं ट्रैफिक में लेके निकल जाता हूँ तो धीरे, जहाँ भी ट्रैफिक होगा ना ज्यादा, बिल्कुल धीरे धीरे निकालूंगा, चाहे पीछे हॉर्न बजाता मरता चाहे कुछ हो जाए, धीरे निकालनी है क्योंकि बचा के चलनी है ना। और अब जैसे हम हाईवे पे आए, हाईवे पे भी सारे रूल्स फॉलो करने हैं प्रॉपरली, एक लेन से दूसरे लेन में आ रहे हो तो इंडिकेटर दे के आओ, प्यार से चलाते रहो, ब्रेक का कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हाई स्पीड पे फिर ब्रेक मारने, क्योंकि हाईवे पे तुमने आगे झटके से ब्रेक मार दिया तुमने तो मार दिया, पीछे वाला आगे घुस जाएगा आड़ी में, और कुछ नहीं होगा। क्यों भाई सही बोल रहे हम? बिल्कुल 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 सही बात है। भाई तुम दिखा किसके रहे हो, कैमरा तो उस तरफ है, किस तरफ है कैमरा? इस तरफ है, मुझे गलत। अरे भैया आप रोड आए, भैया आप रोड देखो, पहिए उधर से खराब कर देखो भैया, बस आज राइट और लेफ्ट का बड़ा दिक्कत हो रहा है यार, ये मेरा राइट है तुम्हारा राइट है, समझ नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ चल रही है, ये डिवाइडर है और ये रोड है, बस ये देख लो। यही तो थोड़ा खौफनाक मंजर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े दिन में जो है कैश मेमोरी बन जाती है हमारे दिमाग में, और हमने इस चीज का ध्यान भी नहीं दिया, चौथे गियर में चलाया जा रहा हूँ उसमें, और गियर बढ़ाने की चीजें, बिल्कुल।
इंजन की आवाज से पता चलता रहे। नहीं गाड़ी ऐसे बताती रहती है, इसमें इंडिकेटर है आगे तो बता देती है कि भैया अब चौथा गियर में है, तुमको पांचवे में जाना है कि नहीं जाना है, अब नीचे करना है तो नीचे कर लूंगा यार। तो मुझे अच्छी काफी अच्छी देखा, अब अंधेरे में ये निकल के आया ठेले वेले लेके, पता नहीं चला बिल्कुल भी, बिल्कुल अब उड़ जाते फिर कहते अब मैं मेरी गाड़ी में नुकसान हो जाता, मेरी हालत खराब हो जाती, ठीक है ठेला तो फिर भी जल्दी सही हो जाता, ऊपर से पब्लिक मारती सौ अलग बिल्कुल दादाजी, क्योंकि गलती हमेशा गाड़ी वाले की होती है। हाँ चाहे अंधेरे में कोई बिना देखे कैसे, गलती हमेशा बड़े वाहन की निकाली जाती है, छोटे को दिक्कत नहीं है इतनी, छोटे को पीछे दिक्कत है कि वो ऊपर पहुंच जाता है। चलानी चाहिए बहुत ही प्यार मोहब्बत से, दिल से लगा के चलाओ गाड़ी कंसेंट्रेशन के साथ, ये नहीं कि आज रात को जाए क्या खाऊंगा, नहीं नहीं ये घर पे जाके सोचना अभी यहाँ पे अरे माय बैड ऐसी चीजें हमारी गलती होगी इस टाइम पे यार, ये खाने वाले का ना भयंकर वो फिर बाबा दी हट्टी आ रहा है। अच्छा अरे ठीक है सब ठीक है, खिजी करता है यार, चलो पेटी भी खा ले। ना सब ठीक है वहाँ गाड़ी ले जाना मतलब ना वहाँ नहीं ले जाया, नहीं ले तो जाएंगे, चल तो जाएगी, अब कॉन्फिडेंस आ गया है, चलिए है ना कॉन्फिडेंस आ गया है ट्रैफिक में चलाने का, ऐसी बात नहीं है नहीं चलाएंगे, बिल्कुल दूसरी बार है आज अकेले लाया हूँ गाड़ी में, बिल्कुल बिना छोटे भाई के, वो एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में, बिल्कुल जैसे आज देव की हालत है कल ऐसे गौरव की हालत बेटा अब तो हम बहुत जल्दी आए हैं पता है, अभी 7:30 बज रहे होंगे, अच्छा 9:30 बजे आया था मैं कल लेकर सर्विस रोड में, जब ट्रक आते हैं बड़े बड़े, हाँ जब बड़े बड़े ट्रक आते हैं वो टेंशन में था, कह रहा भाई मुझे उतार दे, भाई मुझे उतार दे बेटा, पर यह बचते बचाते मैं उसको धीरे बिल्कुल सेफली घर ले आया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा एरिया गाड़ी चलाने को, ये हाईवे वाला बड़ी अच्छी बात है, मस्त चलती गाड़ी बड़ी अच्छी, धीरे धीरे पता नहीं क्यों मुझे आज से पहले 4-5 साल में इस रोड पे जहाँ भी जितने एक्सीडेंट हुए ना वो मुझे याद से आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जा रहे हैं आगे, ऐसी बात नहीं, एक बार यहीं पे MIT पे ट्रक वाले जो है डिवाइडर के ऊपर थे, कार इधर थी, वो सब याद आ रही है मुझे चीजें, जगह मैंने ओवरटेक निकल लिया आपकी बार तो, अरे वाह यही तो भयंकर है लर्निंग विद इंडिकेटर्स इंडिकेटर देखे ना पीछे को पता चले कि मोड़ रहा है, मुझे पता नहीं होगा ना तुमने मोड़ दी होगा घुसा देगा स्टीयरिंग व्हील्स पे, यार ये फोन आ रहा है मैं बंद कर सकता है पिछले पापा, अब तो आठ बात नहीं हो पाई, साइलेंट हो चुका है, ठीक है पता चला पहुंचा ही नहीं घर, ये कहा जाता है कि गाड़ी चलाने में स्टीयरिंग पकड़ने की प्रोफेशन हमेशा 10:20 होनी चाहिए, मतलब 10:00 to 2:00 एक हाथ यहाँ पे एक हाथ वहाँ पे, हाँ वो तो ठीक है पर सिंगल हाथ मेरे भाई ने जो सिखाया है सजेस्ट किया है, क्योंकि जब एकदम से पैनिक होते हैं ना, पैनिक वाली बात है तो दिक्कत स्टीयरिंग नहीं नहीं वो तो ठीक है, पैनिक होते मेरे दोनों हाथ अपने आप आ जाऊं पर वो तो ऑटोमेटिक है, चलिए चलिए उसमें कोई वो नहीं है टेंशन वाली बात, पैनिक होता ना मैं तुरंत दोनों हाथ, पैनिक होने की जरूरत है नहीं, सब ठीक है सब ठीक है, सब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल स्मूथ। अब जो यहाँ पे सबसे जो खतरनाक चीज है ना इस टाइम पे यहाँ पे जो हम आए हैं सुभारती के सामने से मोड़ना, बिल्कुल वो है टेरर, बिल्कुल वहां से अगली गाड़ी आएंगी पूरी पूरी तेज कोई देखता नहीं है, अगर मान लो कोई नहीं देखता बीच में बंद होगी तो बस वो देखेंगे नहीं खड़ी है वो तो निकल जाएगी वो उड़ा और गाड़ी की साइड होगा मैं ये गाड़ी जहां से आएगी उस तरफ होगा मैं, चलिए टेक योर टाइम प्यार से निकालेंगे गियर डाउन, ए भाई आगे का नजारा दिखाओ, गियर डाउन गियर डाउन देने के तो गियर दूसरा ये पहला दूसरा चलिए बहुत प्यार से निकालेंगे, अभी नहीं इनको जान दो जल्दीबाजी वाले को ना निकलने दो, बिल्कुल हमारे घर में आग नहीं लगी जो हमें जाके बुझानी है, अब चलिए बेहतरीन स्मूथ फिनिश, बहुत स्मूथ मारी है एकदम बैंक घुमा का गोल, पर ये पीछे वाला स्मूथ नहीं मारा था छोटा वाला, अच्छा मैंने तो घुमा दिया सीधी लाइन वो देख ली मैंने, चलिए उसे ही गॉट नो चिल मारुति वाला गॉट नो चिल, हमने कहा मार दो भाई आगे बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल और देखो पीछे से शीशे में भी देखते रहो गाड़ी कहां को आ रही है, एग्जैक्टली पूरा ट्रक आ रहा था गाड़ी नहीं आ रही थी, दिया मैंने इंडिकेटर देख के सेकंड लेन पे उतारा फिर इंडिकेटर करा दी, बिल्कुल भाई सारा दादा चौथे गियर में, इस बात से मुझे भी याद आया जब हम पहली बार हमने ट्रैक्टर चलाया था, हाँ। तो मैं भी तीन खेत में को ले गया था घुमा के एक मोड में तो यही गाड़ी का हिसाब तो यही था, हमें बाइक वाला हिसाब था कि वो मोड़ लो सीधे हो जाएगी, हमें क्या बात है वो पहले से मोड़नी पड़ती है,
वो मुड़ी जाती है कि मोड़ने के बाद वो सीधी भी करनी होती है। अरे बड़ा ड्रामा बस बस, बस वो मोड़ा होता है ट्रैक्टर और बस फिर तो जहाँ उसकी मर्जी गई वो वहाँ गया है। ये मोड़ना और काटना ही तो मुश्किल है। अभी मैं इसमें जो है ना पार्किंग करने वाली बात होती है, काट के इधर लगा के बड़ा हिसाब से, वो भी उस वो कला में जो है अभी बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा सा निपुण हो जाएंगे धीरे धीरे। नहीं हुआ है बिल्कुल सही सब पकड़ा है तो बिल्कुल बिल्कुल परिश्रम में कुंजी है। हाँ आज ढाबे पे चाय पीएंगे गाड़ी पार्क करके। ओए होए बात ही लगना चाहिए हो जाए क्यों। बिल्कुल बिल्कुल नजारे भी दिखाता हूं चलो मैं अपने गोड़ में भैया के जाट लिखवा लूं। आगे गाड़ी में जाट लिखवा ले फिर से लिखवा दो जाट है भीतर। ये सही रहेगा लिखवा दो जाट है भीतर। अरे हमारे यहाँ तो एक और चल रहा, एक और लिखवा ले कि कर की सावधान का जो है क्वेश्चन का साइन बनाते हैं और नीचे लिखते हैं ओवरटेक ध्यान से करें गाड़ी में लठ रखा। तो भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं ये जरूरी है जो कॉन्फ्लिक्ट को ना बिना कुछ कहे वह खत्म कर देती है। गड्डी के पीछे जाट वो लिखा हो तो कोई कुछ ना कहता, उसे पता कहने का कोई फायदा है नहीं। चलो इंडिकेटर चलाने तो आगे ढंग में कुछ अच्छी बात इंडिकेटर आना चाहिए भाई तो हाईवे पे चलाने ढंग में तमीज रखना। इंडिकेटर का बहुत बड़ा रोल खेला क्या रहा है पांच गियर में चलने बिल्कुल सही चल रही है ना ऊपर जाने को पता नहीं जाने बिल्कुल बिल्कुल मक्खन चल रही है एकदम ऐसे हमारी बाइक चलती है। ओए है क्या याद दिला दिया सपनों में आते हो तो आजकल एंकर तुम तो जाते ही मोटरसाइकिल दिख रही है सपनों में। वो 160 पे चलाए गए पल करनी पड़ेगी अंकल जब आत्मा का अंकल करो इसका लौटना सही लाइन पर नहीं जा रहा। बिल्कुल 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 चौथे गियर में भाई साहब जान हो पर निकाल ली जाएगी यहाँ से गाड़ी। चलिए चलिए ये यहाँ पे ऐसे है ना चौराहे से तो कहीं भी कहीं से आ जाता तो ये बड़ा हिसाब से देखना कुछ बड़ा ही सामान जा रहा है आगे। ऐसे में ओवरटेक कर तो लो देखो आप देखो ओवरटेक करूंगा मिलिट्री साइकिल वाला मामला ना बिल्कुल इनका कुछ नहीं पता है मूड बनाएगा इधर को आ जाएंगे मूड बनाएगा उधर चले जाएंगे। देखो ट्रक वाला ऐसी आगे को ये थोड़ा चीजें है बड़ा आदमी होपलेस हो जाता है इनमें होपलेस नहीं होना बिल्कुल चाहे तो गाड़ी रोक लो प्यार में कोने में कर लो बिल्कुल बिल्कुल होपलेस नहीं हो इसमें होपलेस होगा तो बस भाई मामला खराब है यार। देख रहे भाई ड्राइविंग कितनी बड़ी अरे बेहतरीन एकदम अभी वहां पे बड़ी ऐसा ना हैंड ब्रेक था ना मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा भाई वैसे बड़ा दिल टूट गया मैंने कहा यार इतनी प्रैक्टिस करके मैं भयंकर आया हूँ देव क्या रहोगे तो कुछ सुसाइड में ना 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 बिल्कुल लेके जा रहा बैक होने नहीं बैंकर हाईवे पे जाने की बात कर दी। देख लो विश्वास हम आए विश्वास के साथ आए विश्वास है सही बात है भाई विश्वास होना चाहिए विश्वास सबसे ऊपर है। बड़े घर वालों को गुड बाय बोल दिया घर वालों को मैसेज कर दिया था फोन कर दिया मैं कहता पापा जैन के साथ जा रहा हूँ गाड़ी चला रहे रोटा रोड पूरा बता दिया अगर कहीं मरूंगा तो घर से रोटा रोड के बीच में मरूंगा बाद में कोई चक्कर नहीं है तो इसलिए अगर लास्ट बार देखने आओ तो दोनों मिलेंगे रोटा रोड पड़े हुए मुंह फाड़ो उस साइड ही पता करियो वही आसपास के थाने पता कर लेना अगर ज्यादा देर तक ना चलो